परसों चौथ की घटना है भी एक बीबी ने दरबार साहब च सिगरट पीती बीड़ी सिंह ने चपेड़ मार दी तो किसी ने यह गल नहीं की वह कहते भी चपेड़ बड़ी मार के गलत काम करता है तुसी मैनू पूछा भी चपेड़ मारना की गलत हो गया काम वह जे वो बीबी ने कि मके यहो जहा काम किया हों कोई उन्होंने चक के फाए टंग देनी किसी ने रौला नहीं पाना पर क्यों नहीं जे पार्लीमेंट जाके बीबी कोई यहोजा काम करती उन्होंने चक के भी साल के अंदर कर देनी किसी ने रौला नहीं पाना तो मैं तो कहना वा ठीक है सिंघा भी ना चपेड़ मारो उ जेल बना लो एक अपनी दरबार साहब के लागे एक जेल बना लो जो कोई यहोजा काम करता उन्होंने सारी उम्र जेल च रखो इन्हों लगता ना चपेड़ मारनी को बहुत वाला जुलम है किसी से तो कोई नहीं उपे उ जेल बना के जेल च दे दया करो जो कुछ छुड़ा उन्होंने कह नहीं भाई तुम चपेड़ा मारन तो आप रो क्या ऐसी चपेड़ मार के बंदा छड़ दी जिहड़ी तंबाकू आ ये बजर करा था सिखी दे विच दरबार साहब च तंबाकू का आना इहदा मतलब यह कि सिखी के हर सिधांत उत्ते हमला है तो जिहड़े बंदे नूं चपेड़ का दुख हुंदा ना भी चपेड़ नहीं सी मारनी चाहिए उन्हूं मैं कहना भी तुसीं फिर अपने आप की यह सिखी चैक करो कि तुसीं सिख हैगे जो कि वैसे तुसीं नाम दे सिख जो तुहाडे च कोई सिखी वाला तत्त बचिया कि तुसीं वैसे नाम दे सिख जो सो ये जिहड़ा ना ये आपां नूं समझना चाहिए है भी सर्टिफिकेट जिहड़े आ ना उहदे कोल लाओ जिन्हें तुहानू खालसे बनाया जिन्हें तुहानू नीचा चो चुक के एडा माण बख्शा वह सर्टिफिकेट दे तो ठीक है गुरु साहब ने कहा ना जब लग खालसा रहे न्यारा तब लग तेज दियूं मैं सारा जब है गए पिपरन की रीत मैं ना करूँ इनकी प्रतीत फिर जो गुरु साहब कहते खालसा मेरा रूप है तो मैं उन्ना चिर प्रतीत करनी है जिन्ना चिर यह बिपर की रीत नहीं तुरते तो तुम तंबाकू उत्थे सटा के चुप करके बह जाओ तो फिर बिपर की रीत नहीं है जदों फिर तुम उत्थे मुगल जो आते धियां अपना चक्के ला जाते तो लोग बोलते नहीं सी उन्होंने गुरु साहब ने बिपर किया तो बिपर की रीत जो असं तुरना है तंबाकू सड़ाने ने चुप रहना है झंडे लवा के चुप रहना है अपन बेजतियां करवा के धियां भैन बेपतियां करा के चुप रहना फिर असं बिपर की रीत नहीं तुरे फिर गुरु साहब ने कहा भी जब है गए बिपरन की रीत मैं ना करूँ इनकी प्रतीत फिर यह भुल जाओ गुरु को ताकि कोई लड़ नहीं मतलब तुम जो भुलेखा हो गुरु साहब ने माण बथेरा बख्शा है खालसे को पर खालसे बन के माण मिलना इदा नहीं है भी तुम मूँह किसी पास में किया कोई डेरे से तुरै फिरे कोई कहते मंदिर मत्थे टेकता फिरे कोई कितने मसीते टुकता फिरे तो तुम गुरु साहब कह भी तुम खालस की रीत तो तुरे जो अज तक बहुत कुछ आ जिहड़ा सानू बदलने की लोड़ आ खासकर इस करके भी असी एक बहुत वड्डे जेनोसाइड चो लंघ रहे हैं सो साडी जिंदगी आम नहीं हो सकती जे तुहाडे घर दे विच कोई प्रॉब्लम आ जाए दुनियावी कोई आर्थिक तुसी अपने घर के सारे चीज़ों चेंज कर लेंगे तुसी अपनी जरूरतों को घटाते जो तुसी अपने झगड़िया पिछे पाते ने भी अज साडे घर दे विच ये मुश्किल है तो जो सारी कौम ते एडी मुसीबत आ तुहानू मतलब किसी नू किसी लड़ाई च पिया हुंदा कोई किसी पासे तुरिया फिरदा कोई किसी पासे तुरिया फिरदा सो एक तो यह बेनती है भी आप थोड़ा जा गुरु साहब नूं प्रेम करना शुरू करिए जिहड़ा गुरु प्रेम है ना गुरु प्रेम दा अर्थ है भी तुहाडे प्यो दी कोई पग नूं हत्थ पावे तो तुसीं भी उत्थे परवाह नहीं करदे भी मैं जिहदे चार चपेड़ा मारदी हां ते लोक कहणगे भी बंदा बड़ा जालम है ये गुरु प्रेम इदां दा भी गुरु उह कहिंदे ना गुर की निंदा सुणे ना कान एक बार ना छेवें पातशाह एक घटना तुहाडे सारयां दे सुण लई जरूरी है छेवें पातशाह जदों ब्यास तों लंघ रहे सी ना ते एक पागल बंदा उन्हां नूं गाला कढ़न लग पिया उन्हूं दो वारी ताड़ना की सिंघां ने तीजी वारी जदों नहीं टलिया ते बाबा बिधी चंद ने हथ पैर वढ के दरिया सुट दिता हुण अज दे जिहड़े सिख आ जिहड़े मतलब सो कॉल्ड वोक ते जिहड़े स्नोफ्लेक्स आ जिहड़े मतलब उन्होंने कोमल सिरे आ इन्हां ने कहना सी बाबा बिधी चंद जिहड़ा कोई जालम कोई नहीं हुण इन्हां नूं इह नहीं पता भी जिन्हें खलकत दे मालक नूं अकाल पुरख रूप सच्चे पातशाह नूं गालां कढ़ियां होण उन्हूं दो वारी ताड़ना भी कीती होवे ते ना टलिया फिर उहदा की इलाज होना चाहीदा उह बंदा जीण दा कितना अधिकारी है सो जे तुहाडे च मन च गुरु दा सतिकार नहीं ते फिर तुसीं गुरु नूं गुरु कहिणा छड्ड दिओ गुरु दा सतिकार ते तां ही करना भी जे तुसीं गुरु नूं गुरु मानदे जो ते फिर ते इह करना पैणा सतिकार तुहानूं जे नहीं मानदे ते ठीक है फिर सो जिहड़े बंदे कहिंदे ना भी दरबार साहिब दे पिछे जे बेदबी होई सी भी नहीं बंदा नहीं मारना चाहिए उन्होंने कहा भी एक करी ना पाकिस्तान दा बॉर्डर टप के वेखो माड़ा जिहा आ पिछे जे पाकिस्तान नूं बंदा घर रहा सी उह चंगे इंटेंशन नाल आ रहा सी माड़े ना पागल सी हिंदुस्तान दी फौज ने उन्हें गोली मार दित्ती हुण उत्थे नहीं तुसीं कहा भी भाई इहनूं पुछिया क्यों नहीं मारना नहीं सी चाहिए तुहानूं कोई बंदा प्रधानमंत्री वाल भज पे उहदे हत्थ च कुछ भी ना होवे तां वी उहदे सिक्योरिटी वाले गोली मार देणगे सो दरबार साहिब दी उह कहिंदे बेदबी हो लैण दिंदे तुसीं फिर तुसीं वेंदे भी इहदे नाल की करना नहीं जी साडा इन्ना हौसला नहीं हैगा भी असी सामने बेदबियां होण दईए ते फिर असी तय करिए भी की करना है ये उन्हां दा हौसला पै सकदा जिन्हां नूं अपने सतिकार नहीं हैगा गुरु दा कोई तुहाडी धी भैण दी बेपत्ती करन आया तुसीं कहो भी पहिलां हो लैण दिंदे आ ते फिर असी देखांगे भी इहदा की करना है ये बगैरती है बेशर्मी है सानू
ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੌਮੀ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਡੀ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ ਦੀਆਂ ਬਾਈਂਦੀਆਂ ਸੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਅਸੀਂ, ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲੈਣਾ ਲਿਬਰਲ ਲੈਣਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਪਰਸੋਂ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਆਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕੋਲ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਸੀ ਲਿਬਰਲ ਲੈਫਟ ਲਾਣੇ ਦਾ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਵਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਤੋੜ ਰਹੇ ਜੋ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜੋ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਗੈਰਤੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ।